नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 के 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुंगेर से बड़ी खबर आ रही है, आरजेडी प्रदेश महासचिव को गोली मारी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, अपराधियों ने पंकज यादव को गोली मार दी है। मॉर्निंग वॉक पर निकले थे पंकज यादव, सीने में गोली मारकर अपराधी मौके से फरार हो गए। घायल पंकज निजी क्लिनिक में भर्ती कराए गए कासिम बाजार हवाई अड्डा के पास। इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। मुंगेर से बड़ी खबर आ रही है और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ मुंगेर से फोन लाइन पर हैं। मुंगेर में ये घटना कब घटी अरुण, साथ ही साथ कहां पर कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? जी, मैं बता दूं कि आज अहले सुबह लगभग 6 बजे के लगभग जब पंकज यादव जो आरजेडी के प्रदेश के महासचिव भी है, वो जब हवाई अड्डा में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तभी पहले से जो घात लगाए अपराधी थे उन पे गोली चला दी। 3 गोली चलाई जिसमें से 1 गोली उनके सीने में लगी और जब हल्ला हुआ तो 1 गोली चलाते हुए जो अपराधी है वो भाग गए। उसके बाद लोगों ने उन्हें एक निजी क्लिनिक में एडमिट करवाया जहां से उनकी, हालांकि अभी तो गोली निकाल दी गई है लेकिन अभी भी वो काफी मुश्किल में है और बाकी जो पुलिस है पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जी अरुण, ये बताइए कि क्या किसी तरह की कोई दुश्मनी थी या जो अपराधी थे उनका किसी भी तरीके से आरजेडी नेता से संपर्क था, क्या इस बाबत भी कोई जानकारी आपके पास? जी मैं बता दूं, जो अभी यहाँ के डीएसपी है उनसे जो बात हुई उनका कहना है कि 1-2 लोगों का जो नाम है अभी वो सामने आया है जो उसी इलाके के हैं और ये कहीं ना कहीं एक जमीन विवाद, जमीन को प्लॉटिंग के धंधे को लेके भी देखा जा सकता है जिसका ये हमेशा जो है विरोध करते थे और उसी का नतीजा था कि आज अपराधियों ने इनको अपना निशाना बनाया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। तो मुंगेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीने में गोली मारकर अपराधी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। घायल पंकज फिलहाल निजी अस्पताल में इलाजरत हैं, भर्ती किए गए हैं कासिम बाजार इलाके की ये घटना बताई जा रही है।